अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो बच्चों? सब ठीक हो? आज मैं बना रही हूँ रात के लिए चिकन बिरयानी। ठीक है, चिकन बिरयानी के लिए मैं प्याज लिए तकरीबन 1 किलो, क्योंकि 2 चिकन के बिरयानी बना रही हूँ, और 4 पीस आलू के पटेटो और 5-6 पीस टमाटर के। ठीक है, अब मसाले में हम यूज़ करेंगे सूखा धनिया और हल्दी, लाल मिर्ची और कूटा हुआ सफ़ेद पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, थोड़े आलू बुखारे, अदरक लहसुन का पेस्ट, और चावल के लिए दालचीनी और तेज़पत्ता। ठीक है, और ये चिकन है जो धुल चुका है, और ये चावल है जो अभी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह इसको फौरी कुक करना है, और ये फूड कलर है जो लास्ट में डलेगा, नमक यूज़ होगा, नमक हसबे जायका जो भी चाहिए, और बहुत इजी और बहुत ही फास्ट बिरयानी बनाना सिखाती हूँ। मैं प्याज कटिंग कर रही हूँ, ठीक है, बहुत मोटे प्याज नहीं काटने, ताकि प्याज को टमाटर के साथ मिक्स होने में चिकन के साथ टाइम नहीं लगे। प्याज की कटिंग हो गई और 1 कप ऑयल डाल दिया देगची में। अब मैं प्याज को ब्राउन करने के लिए मैंने चढ़ा दिया, ठीक है, चूल्हा थोड़ा सा तेज रखना है ताकि जल्दी से प्याज ब्राउन हो जाएंगे। अब ये टमाटर काट के रख रही हूँ ताकि जब तक प्याज ब्राउन हो जाएगा तो टमाटर कटे हुए होने चाहिए। जैसे प्याज ब्राउन हो जाएगा तो टमाटर उसके अंदर, क्योंकि मैं ज़रा बिरयानी डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ, ठीक है, तो प्याज जैसे ही लाल हो जाएगा तो टमाटर उसके अंदर डाल देंगे, और जब बिल्कुल टमाटर मिक्स हो जाएगा प्याज के साथ, फिर बाकी चिकन विकन उस टाइम डाल के दिखाऊँगी। प्याज देखे चूल्हा तेज है ना, तो प्याज थोड़ा जल्दी ब्राउन हो जाएंगे। ये चावल उबालने के लिए पानी चढ़ा रही हूँ, ठीक है, ये चूल्हा स्लो रखूँगी क्योंकि अभी तो थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, अब इसमें डालूँगी तेज़पत्ता और दालचीनी, नमक, ये देख लो अंदाजन, मतलब कोशिश करो जो भी चीज़ बनाओगे अपने अंदाजे से बनाओगे, ज़्यादा अच्छा फील करोगे वो बना के, ठीक है। हाँ, ये प्याज ब्राउन हो गए, ठीक है, सही। अब इससे थोड़ा सा प्याज निकाल के, ज़रूरी भी नहीं है, अगर निकालना है तो निकाल लो, अगर नहीं निकालना है नहीं निकालो, दोनों चीज़ें ये एंड में बिरयानी के ऊपर हम डालेंगे। अब इसमें डालूंगी टमाटर जो हमने काट के रखे पहले से, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि 2 चिकन का बिरयानी बना रही हूँ, तो इसलिए टमाटर भी ज़्यादा है और प्याज भी ज़्यादा है, तो जितना माल उतना मज़ेदार खाना। अब प्याज जो है ना, टमाटर और प्याज का पेस्ट करना, थोड़ा सा टमाटर बैठ जाएगा तो इसमें हम बाकी चिकन विकन डाल देंगे, ठीक है। 5 मिनट के लिए भी इसको डाम दो, 2-3 मिनट में बस चेक करते जो किचन में हो जब तक, तो देखो उसको, बस टमाटर को थोड़ा सा मिक्स होने प्याज के साथ, उसके बाद बाकी इसमें चिकन विकन डाल देंगे। हाँ, ये चावल धो के भिगा के मैंने रखती हूँ जब तक चावल का पानी उबले, और आलू भी काट के रखी हूँ। अब जैसे ही टमाटर और प्याज मिक्स हो जाएगा तो ये सब चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। अभी टमाटर और प्याज तकरीबन मिक्स हो रहे हैं, ठीक है, अभी इसमें ऐड करूँगी चिकन। और बिरयानी में थोड़े बड़े पीस चिकन के रखो ताकि चिकन जो है ना टूटता नहीं है, छोटे पीस में ये है कि जब तक बिरयानी रेडी हो तो काफ़ी चिकन टूट जाता है। इसके अंदर मैंने डाल दिया आलू, कोई मुश्किल नहीं है बिरयानी बनाना, लोग समझते हैं बिरयानी हो बहुत बड़ी बात है, मैं समझती हूँ कोई बड़ी बात नहीं है, बस विल होना चाहिए,
अब आलू डालने के बाद इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, ठीक है। इसमें लाल मिर्ची डल गई 2 चम्मच, ये हो गया। हल्दी और सूखा धनिया, हल्दी 1/2 चम्मच, सूखा धनिया 1 से 1.5 चम्मच, और कुटी हुई जीरा और थोड़े से आलू बुखारा डाल दिए, ठीक है। अब इसको करते हैं मिक्स। पानी डालना बिल्कुल नहीं है शुरू में, क्योंकि टमाटर और चिकन दोनों पानी छोड़ते हैं पहले, तो उसके बाद देखेंगे अगर पानी की ज़रूरत हुए। इसी में आलू भी आपका गल जाएगा। और अभी ढकना डालते हैं इसको 5 मिनट के लिए। अभी आप देखें बिल्कुल इसमें पानी कुछ भी नहीं मिलाई, पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं चूल्हा स्लो करूँगी, चिकन भी गल जाएगा और आलू भी गल जाएगा, और खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है मगर आप लोग बहुत दूर हो। अच्छा, मसालों के साथ थोड़ा सा नमक सालन में एक्स्ट्रा डालना है, थोड़ा बहुत नहीं, क्योंकि चावल इतना नमक नहीं उठाते हैं ना, तो आपको सालन का नमक थोड़ा सा ज़्यादा करना है, और उसको मिक्स कर दो, खुद ही ऑटोमेटिकली मिक्स हो जाएगा। चावल का पानी उबल रहा है, अब इसमें चावल डाल देते हैं, ठीक है। जब तक आपका सालन वहाँ रेडी हो जाएगा, यहाँ चावल दम हो जाएगा, बॉयल हो जाएगा पहले, ज़्यादा चावल नहीं गलाने, बस मैं आपको बताती हूँ। चावल देखो तकरीबन चावल हो गए, ठीक है, थोड़ा सा चेक करो क्योंकि अच्छे होंगे, पता चलेगा ना ये 2 पीस हो रहे हैं चावल। बस अब इसका पानी ड्रेन करेंगे, ओके। मैं बताती हूँ, छन्नी रखो, छन्नी चावल का पानी ड्रेन कर रहे हैं। बस अभी पानी सूख रहा है, आप आलू चेक करो, तो चिकन का टेंशन नहीं है, चिकन तो अभी थोड़ा सा आलू रहता है, जब तक ये पानी भी सूखेगा तो आलू भी गल जाएगा। इसमें बिल्कुल भी, एक मरतबा फिर से बोल रही हूँ, पानी वानी कुछ मैंने नहीं डाला, बस आलू भी गल गए, थोड़ा सा रह गए। अब चूल्हा थोड़ा स्लो करती हूँ ताकि आलू और दम पे गल जाए, चिकन तो गल गया, ख़त्म। तवा रख दी हूँ मैंने, ठीक है, बिरयानी को दम पे लगाना है। तवा का चूल्हा पहले तेज़ रखो। अभी ये देखो ग्रेवी इतना इसमें मैंने छोड़ दी हूँ, बिल्कुल सुखाना नहीं है ताकि चावल, ताकि सही से। अब इसमें मैंने ऐसे थोड़ा सा खूबसूरती के लिए 2 मिर्ची डाल दी हूँ। अब मैंने पूरे ग्रेवी के ऊपर मैं चावल डाल रही हूँ, अलग से कुछ नहीं करना है कि तय बनाना है, ये करना है, वो ज़माना नहीं है अभी। अभी मैं बताती हूँ, अभी ये चावल पूरे सालन के ऊपर ये चावल चला गया, सही है, ये हो गया चावल। अभी इसके ऊपर थोड़ा सा लाल प्याज जो हमने निकाल के रखा था, थोड़े इसके लाल प्याज डालते हैं। हाँ, ये फूड कलर डाल रही हूँ बिरयानी पे, ठीक है। फूड कलर नहीं भी होते तो मैं ऐसे भी चला लेती हूँ, कोई मसला नहीं है। अभी लाई हूँ तो इसलिए इसको हम यूज़ कर रहे हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा सा तेल डालूँगी ताकि जो थोड़ा बहुत कमी बेशी है हमारे बिरयानी के तेल में वो पूरा हो जाएगा। ये थोड़ा सा अगर घर में लेमन है, नहीं है तो भी कोई मसला नहीं है, ये थोड़ा बस खुशबू आ जाते हैं। बस अभी इसका ढकना डाल दो और इसको 5 मिनट के बाद चूल्हा स्लो करना है। जब धुआं पूरा निकलता है ना, मैं बताऊंगी। अभी ये हो गया और फुल चूल्हा है,
चूल्हा फुल है, ठीक है। थोड़ी देर में चूल्हे को स्लो करेंगे ताकि बिरयानी अच्छे से दम हो जाए। ये चूल्हा मैंने स्लो कर दी, ये बिरयानी रेडी है, ठीक है। बस इसको जब भी खाना है खा लो। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बिरयानी इज़ रेडी, ठीक है। हम इसको सर्व कर रहे हैं। ये देखो मैं प्लेट से निकाल रही हूँ बिरयानी, ठीक है। और चावल को मैंने कोई लेयर वेयर कुछ नहीं किया था, पूरी ग्रेवी के ऊपर हमने डाल दिया चावल। अब हमारा बिरयानी माशाल्लाह, ये देखो बिरयानी रेडी है खाने के लिए। बस बहुत शुक्रिया देखने के लिए, बिरयानी को लाइक करो और आगे बढ़ाओ उसको, ठीक है। और इसके साथ रायता भी बना सकते हो, सैलेड भी बना सकते हो, सब चीज़ हमने बना ली है और आप लोग भी बना के खा सकते हो और एंजॉय करो अपना बिरयानी।